सरवाड़ से नसीराबाद के बीच 1500 mm पाइपलाइन लीकेज होने के चलते जलदाय विभाग ने अजमेर में 2 दिन का शटडाउन लिया है और शहर व जिले के विभिन्न इलाकों में 2 दिन तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। वहीं अजमेर के स्टेशन रोड पर एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के कारण 250 mm की सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण हजारों गैलन लीटर पानी बर्बाद हो गया और स्टेशन के सामने फव्वारे से चल रहे पानी को रोकने के लिए JCB लगानी पड़ी। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता सुनील बाकलीवाल ने बताया कि इससे हाथीबाटा ब्रह्मापुरी कचहरी रोड सहित स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी और उसके मरम्मत के बाद ही पानी की सप्लाई यहां हो पाएगी। वहीं स्टेशन रोड पर फिर से पानी की बर्बादी के साथ साथ घंटों तक पानी भरा हुआ रहा, जिससे यातायात भी प्रभावित देखा गया और लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखो ना क्या हुआ, ये पानी बिल्कुल क्या नाम है, एकदम पाइपलाइन एकदम लीकेज हो गई है। JBC से काम कर रहे थे, उससे पाइपलाइन लीकेज हो गई और अभी तक कोई जलदाय का कर्मचारी अभी तक कोई देखने भी नहीं आया। 2-3 बार फोन भी कर दिए, वो पानी वेस्ट बह रहा है, मतलब लोगों को पानी पीना तो दूर की बात है, पानी मिल नहीं रहा और यहाँ बिल्कुल पानी भरा हुआ है, दो कंटेनर भरा हुआ और बाहर भरा, मतलब आने जाने में पब्लिक कोई परेशानी हो रही है बिल्कुल। क्या कार्य चल रहा है यहाँ पे? ये एलिवेटर रोड का काम चल रहा है, उसकी ये खुदाई वुदाई कर रहा है, उससे क्या ये खुदाई करने के चक्कर में पाइपलाइन लीकेज हो गई। कितना लीटर पानी बह गया? कम से कम हजारों लीटर गैलन पानी मतलब वेस्ट गया है। वहाँ करा जलदाय विभाग को फोन भी करा, कोई ने फोन भी नहीं उठाया, सब कुंभकर्ण की नींद सोए। ये पाइप ये जो खुदाई चल रही है, JCB ने पाइपलाइन फोड़ दी, शहरवासियों को पानी नहीं मिल रहा और एक तरफ रोज स्टेशन पे स्विमिंग पूल बन जाता है यहाँ पर रोज डेली। आज कितना नुकसान हुआ पानी का? कितना लीटर पानी बह गया होगा? हजारों गैलन पानी बह गया होगा आज यहाँ पे। तो क्या मानते हो, लापरवाही मान रहे हो आप? जी लापरवाही मानते हो? लापरवाही सरासर लापरवाही प्रशासन की है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन की, सारा साल लापरवाही। अभी तक कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पे, अभी भी पानी बह रहा है क्या? अभी तक पानी बह रहा है, ना नगर निगम से आया, ना कोई जलदाय विभाग से कोई अधिकारी यहाँ पे आके देख रहा है अभी तक, जबकि हमने 2-3 बार वहाँ सूचना कर दी है। किससे हुआ है हादसा, किससे हुआ है जैसे? ये जो एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, इसकी जिनकी जो मशीनें लगी JCB वगैरह, इनसे हादसा हुआ है। किस जगह की घटना है? रेलवे स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट में सामने।